आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 22 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निवास पर प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों से भेंट की। प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया कि छिंदवाड़ा में SDM श्री PC पटेल पर किए गए हमले में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें आवश्यक सहायता एवं सुरक्षा भी प्रदान की जाए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ADM और SDM को सशस्त्र गार्ड एवं समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए गार्ड की व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना के विरोध में 19 से 21 सितंबर तक हड़ताल अवधि का सामूहिक अवकाश प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासनिक सेवा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का दायित्व निभा रहे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायकों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब शिवराज कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। इधर मंत्री हरदीप सिंह डंग की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वे भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मध्य प्रदेश में इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरविंद भदौरिया, तुलसी सिलावट समेत 40 से अधिक मंत्री विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि सभी ठीक होकर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। इस बार उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखा गया। इस मामले में IG ने विभागीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री की सूचना सुरक्षा में चूक हो चुकी है। दरअसल मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली का है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से एक सभा में गए थे। हेलीपैड पर दो हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े थे। सभा के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाने लगे, तभी दोनों हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के ऊपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों की नजर जब उस ड्रोन पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट को जब यह पता चला कि उन्होंने अधिकारियों को बताया कि हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में यह उलझ सकता था, तुरंत ही अधिकारियों ने इस ड्रोन को नीचे उतरवाया। ग्वालियर जोन के IG अविनाश शर्मा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि मुंगावली में कोई बच्चा वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ा रहा था, उस ड्रोन को तत्काल नीचे उतरवा लिया गया, यह सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब MP में किसानों के खाते में सरकार अलग से हर साल 4,000 रुपये खाते में डालेगी। किसानों को अभी किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये देती है, अब 4,000 रुपये उन्हें और मिलेंगे। ऐसे में MP के किसानों को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए प्रथम चरण में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत PM सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। किसान का कल्याण मेरे जीवन का ध्येय है। मध्य प्रदेश में पहली बार तेंदुए का CT स्कैन भोपाल स्थित राज्य पशु चिकित्सालय जहां गिराबाद किया गया, उसके शरीर में धातुओं के अवशेष होने की आशंका है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक रूप से इसका खुलासा होगा और इलाज किया जाएगा। तेंदुआ इंदौर के चिड़ियाघर से लाया गया था। वन विहार नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार जैन ने बताया कि 3 माह पहले 6 साल के नर तेंदुए को इंदौर वन विभाग द्वारा जंगल से पकड़ा गया था। उसे इंदौर चिड़ियाघर में रखकर इलाज कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ रहा था। उसे दिखना बंद हो गया है, वह लगातार असहज हो रहा था। इस पर वन्य प्राणी विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक आलोक कुमार ने CT स्कैन करने की मंजूरी दी। तब उसे इंदौर से सुबह विशेषज्ञों की टीम वन विहार लेकर आई। यहां पर वन विहार नेशनल पार्क के वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में प्राथमिक चिकित्सा की गई। उसके बाद दोपहर में उसे राज्य पशु चिकित्सालय लेकर गए, जहां बेहोश कर CT स्कैन किया गया। इस प्रक्रिया में 1.5 घंटे लगे हैं। उसे वापस इंदौर भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में एक बार भालू का सीटी स्कैन किया जा चुका था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र माता दुर्गा की आराधना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस वर्ष माता का आगमन घोड़े पर होगा जबकि विदाई भैंसे पर होगी। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी भक्त सीमित संख्या में माता का दरबार सजाकर आराधना कर सकेंगे। नवरात्र पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि में चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से 10:12 तक रहेगा। नवरात्र में हर दिन माता के विभिन्न स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माता के अलग अलग स्वरूप की कृपा से भक्तों के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता की कृपा से भक्त सुख, शक्ति, शांति, धन धान्य, वैभव व ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 55.5 लाख से ज्यादा हो गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 55,68,759 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 35,18,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,80,400 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 44,98,570 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 88,992 है। अब तक देश में कुल 6,53,25,779 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। यहां कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 61,076 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,08,167 पहुंच गया है जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 22,542, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 83,618, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 2,007 है। प्रदेश में अब तक 18,40,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 19,937 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,882, जिनका निधन हुआ उनकी संख्या 502 है। भोपाल में 15,122 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,902, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 363। ग्वालियर में 9,353 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,012, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 104। जबलपुर में कुल 7,887 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,283, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 127। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,894, सक्रिय मरीजों की तादाद 518 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 37। उज्जैन में 2,635 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 545, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 89। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,459, एक्टिव मरीजों की तादाद 213, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। सागर में कुल मरीजों की संख्या 2,035 में से एक्टिव मरीज 702 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 83। शिवपुरी में कुल 1,909 में से एक्टिव केसेस 410 एवं 18 लोग कालकल्पित हुए हैं। नरसिंहपुर में कुल 1,852 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 453, जिनका निधन हुआ उनकी संख्या 10। धार में 1,850 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 622, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 26। नीमच में कुल 1,803 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 440 एवं जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 29। रतलाम में कुल 1,762 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 358, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 35। बड़वानी में कुल 1,644 मरीजों में से एक्टिव मरीज 273, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 19। बैतूल में कुल 1,546 में से सक्रिय की तादाद 518, जिनका निधन हुआ उनकी संख्या 37। शहडोल में कुल 1,483 मरीजों में से 557 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 15। विदिशा में कुल 1,476 मरीजों में से एक्टिव मरीज 287 व जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 27। रीवा में कुल 1,468 मरीजों में से एक्टिव मरीज 482 एवं जिनका निधन हुआ उनकी संख्या 22।
मंदसौर में कुल 1,394 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 252, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 14, दमोह में 1,380 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 525 एवं 25 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। खंडवा में कुल 1,337 मरीजों में से 250 एक्टिव मरीज जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 29, सीहोर में 1,331 में से सक्रिय की संख्या 391 एवं 24 लोग काल कल्वित हुए हैं। होशंगाबाद में कुल 1,216 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 400 व 24 लोगों ने दम तोड़ा है। सतना में कुल 1,204 में से सक्रिय 261 व 24 लोगों ने दम तोड़ा है। राजगढ़ में कुल मरीजों की तादाद 1,170 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 202 व 18 लोगों का निधन हुआ है। झाबुआ में कुल 1,154 मरीजों में से सक्रिय मरीज 236 व कुल 11 लोग काल कल्वित हुए हैं। देवास में कुल 1,152 में से 171 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19, दतिया में कुल 1,122 में से एक्टिव की तादाद 243 कुल एवं 15 लोगों का निधन हुआ है। रायसेन में कुल 1,089 में से सक्रिय की संख्या 213 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22, छतरपुर में कुल 1,061 में से एक्टिव केसेस 206 जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23 एवं कटनी में कुल 1,011 एक्टिव मरीज 352 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17 है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 22 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 23 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आप इसको, अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप, हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेप को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़,
कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।